हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षण निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 61 करेंगे। लखनवी अंदाज क्लास 10th का। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग पढ़ा। इसमें हमने जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर चढ़ते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। खीरे खाने से पूर्व किस तरह उनकी तैयारियां थी तो देखते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनाइती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित था। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलम महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च से संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले लाए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में फलके मूंद गई। खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर उन्होंने कहा, वासना से रंधावन कर खीरे को फेंक दिया। तो उन्होंने सूंघा, थोड़ा टेस्ट किया, देखा, पर उसी से उनका मन भर गया और उन्होंने खीरे को फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी राइसों का तरीका। अब क्वेश्चन, देखा कि मुंह में पानी क्यों हो रहा था, तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनाइती फाके देख कर लेखक को खीरा खाने के लिए मुंह में पानी आ रहा था। किस बात के कारण लेखक ने आत्मसम्मान निभाना समझा? क्योंकि लेखक ने पहले ही इनकार कर दिया था कि वो खीरा नहीं खाएंगे और उन्होंने आत्मसम्मान निभाने के लिए ऐसा किया। अगला, नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पूर्व क्या करते? तो नवाब साहब पैसेंजर ट्रेन के सेकेंड क्लास के डिब्बों में आराम से बैठे थे। उनके सामने साफ तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने सीट से नीचे से लौटा निकाला और खिड़की के बाहर खीरे को धोया। उन्होंने खीरे के सिरे काटे, गोद कर उनका छाग निकाला और खीरे छिलकर फाके बनाए। ऊन पर नमक छिड़क का चूरण बुरका। जब फाके पनाइने लगी तो उन्होंने एक फाक उठाई, मुंह तक ले गए, साथ में खिड़की से बाहर उन्होंने फेंक दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने फाके फेंक कर डकारे ली। तो इस तरह से ही हुआ, मुंह में पानी आने का अर्थ कुछ खाने का लालच। वाक्य, रसगुल्ला देखकर मनीष के मुंह में पानी आ गया। मैदा भी जरा कमजोर है, इससे क्या तात्पर्य है? पेट खराब होना या पाचन शक्ति कमजोर होना? किबला शौक फरमाए, शुक्रिया जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं, यह आपका क्रियाकलाप है। आप ऐसे ही कुछ शब्द लिखें, नमस्कार, धन्यवाद, श्रीमान जी, श्रीमती जी, आभारी रहूंगा पहले आप। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरी।